अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं जश्न स्वात फेस्टिवल में मिराफ़ज़ल ख़ान उस्ताद के साथ मौजूद हूँ। मिराफ़ज़ल ख़ान उस्ताद वो उस्ताद है जो सितार पर इनका बहुत ज़्यादा उबूर हासिल है, और मैं आपको एक गाने के हवाले से बता दूं, पाकिस्तान में एक गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, वो शिनाई ज़बान का है, कारे कारे, इसकी कंपोजिंग भी मिराफ़ज़ल साहब ने की है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इनको तकरीबन कोई 8 ज़ुबानों पर अबूर भी हासिल है, और आज हम इनके कुछ ऐसे परफॉर्मेंस देखेंगे कि आप हैरान रह जाओगे। तो सबसे पहले टाइम देने का शुक्रिया सर। क्या कहेंगे, मतलब खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या सूरत हाल है? क्योंकि इस तरह बेहतरीन फनकार हमारे पास मौजूद है कलाम की इन वादियों में। सबसे पहले तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद आपने जो बात की कि केपी के गवर्नमेंट, सर आज तक केपी के गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया है। ये तो अल्लाह का बड़ा फजल व करम से ये गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है, उसके अलावा वहाँ मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरा असल जो ज़ुबान है शिना है, ठीक है, तो वहाँ से लोग मुझे जो है ना चाहते हैं, वो मेरा सपोर्ट करते हैं। यहाँ केपीके की गवर्नमेंट ने ना आज तक कुछ किया है और ना मुझे इनसे करने की उम्मीद है। ठीक है, ये मतलब ये जो कारे कारे का जो सॉन्ग है, क्या वो आप हमें सुनाएंगे? बिल्कुल सर, क्यों नहीं सुनाऊंगे।
जबानों पर आपको अबूर हासिल है और ये कब आपने पन ये सीखा है? सर जी, वैसे बोलने को तो मैं तकरीबन 7 जबानें बोल लेता हूँ। रही बात सितार की बजाने का, ये तो ट्यून है म्यूज़िक की, कोई ज़बान कोई सरहद नहीं होती है। ये आप दुनिया का किसी भी ज़बान का आप मुझे ट्यून बताएंगे, उसको मैं एक मिनट में सुनकर उसको बजा सकता हूँ। और उसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान और उसके अलावा जो ताजिकिस्तान, उनके जो मेन जो धुनें हैं वो मैं सब बजाता हूँ। बलोची हो, सिंधी हो, और शिना तो मेरा अपना ज़बान ही है, गावरी ज़बान, तुरवाली, ये सब पे मुझे अबूर हासिल है सर। बेसिक ताल्लुक़ आपका कहाँ से है? सर जी, बेसिकली मेरा ताल्लुक़ इंडस कोस्तान से है और मैं पैदाइश मेरी वादी कलाम की है, कलाम में ही रहता हूँ, गावरी ज़बान बोलता हूँ, असल ज़बान मेरी शिना है, शिना ज़बान है। अच्छा, ये बताएं एक ये सितार को सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? मैं मुझे बहुत पसंद है, मैं अगर सीखना चाहता हूँ तो कैसे सीखूँगा मैं? सर जी, दुनिया में कोई भी चीज़ इस तरह नहीं जिसको बंदा मतलब जो है नहीं सीख सकता है। इसके लिए जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, ठीक है। अपने जुनून से हमने सीखा है, या हमारे कलाम में ना तो कोई एकेडमी है, ना इसके कोई इस तरह कोई जो है ना हमारा जगह है कि वहाँ पे जाके हम इसको बजाएं, अपने शौक़ से सीखे हैं सर। अच्छा, ये भी बताएं कि आपने कारे गाने को कंपोज किया, वो बहुत ही वायरल हो गया, ये वाहिद मतलब एक ऐसी लैंग्वेज है कि मतलब कौमी ज़बान में हमारी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मुझे खुद मतलब नहीं पता कि ये क्या बोल रहे हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर जी, इसकी जो शायरी है मेन, वो ज़फ़र वक़ार ताज साहब की है, वो इस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नमेंट में हाजिरी सर्विस सेक्रेटरी है वाटर एंड पावर का, तो और इसको गाया जो है सलमान पारस साहब ने, वो एडी टूरिज़म है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी शायरी है। उसके बाद सलमान पारस एक बड़ा अच्छा ही आवाज़ है गिलगित बल्तिस्तान का, तो उसने गाया और साथ में हमने सितार को ऐड किया, पिशावर में हमने इसकी रिकॉर्डिंग की, तो बस वायरल हो गया, चल गया, आजकल बड़ा अच्छा उसका जो है ना रिज़ल्ट आ रहा है। कोई पैगाम देना चाहेंगे सर? सर, पैगाम तो ये दे दूंगा कि ये अभी ये जो फेस्टिवल हुआ है ये अमन के लिहाज से बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये, क्योंकि हमारे स्वात में किस्म किस्म के मामले होते हैं, रोज़ नया कोई सिस्टम निकल आता है, तो इस लिहाज से हमारे जो टूरिज़म की जो पूरी जो है ना टूरिज़म हमारा बैठ गया था, इसीलिए ये जो हो गया फेस्टिवल बड़ा अच्छा है, इसको हम बड़े अच्छे अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे नज़र से देखते हैं। और ये सितार हमारा जो है ये मुनफरद है, बिल्कुल ठीक है, सितार मर्दान चार सदा पूरे पाकिस्तान एवन जो है ना वेस्टर्न एशिया पूरे जो है ना ममालिक वहाँ पे ये बजते हैं, लेकिन हमारा जो सितार है ये मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ इसके है। जो ट्यून ये जो नोट्स है ये मैं खुद लगाता हूँ, ये गावरी नोट्स है, ये दुनिया का कोई भी ज़बान इसको मिस नहीं करता है। अच्छा, यही मेन बात है। अच्छा, मैं जो नोट्स लगाता हूँ, बात जो नोट्स की है वो कोई भी ज़बान मिस नहीं करता है, बस मेन मसला ये है इसमें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर टाइम देने का। और मैं आपको बता दूं कि जश्न स्वात फेस्टिवल के रंगारंग तकरीबात जारी है, इसमें आप स्वात की रिवायती मौसीकी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और इसी तरह रंगारंग तकरीबात स्पोर्ट्स भी है और मुख्तलिफ गुलकार फनकार यहाँ पर अपने परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहे हैं।